वेलकम दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं? आज हम देखेंगे कलर के बारे में। जब आर्ट या क्रिएटिविटी या पेंटिंग बोलते हैं तो पहला वर्ड हमारे माइंड में क्या आता है? कलर। तो चलिए कलर से स्टार्ट करते हैं और कलर के बारे में समझेंगे। तो आज हम देखेंगे वाटर कलर। तो ये वाटर बोलेंगे तो क्या होता है? पानी में मिक्स करने वाला कलर। लेकिन दोस्तों पता है इसमें भी दो तरीके के या तीन तरीके के मैं बोलूं तो कलर्स आते हैं जो वाटर में मिक्स होता है। एक आपने ट्यूब या केक कलर देख रहे होंगे, इसको भी वाटर में मिक्स करके हम पेपर में अप्लाई करते हैं। आप जरूर करते होंगे, बनाते होंगे सुंदर सुंदर पेंटिंग। अगर आपका अभी तक का सबसे बेस्ट पेंटिंग क्या रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने वो पहला वाटर कलर, वाटर से कौन सी पेंटिंग जो आपने बनाई थी स्कूल में और आपको किसी ने बोला था अरे वाह ये आपने बनाया है। तो चलिए आपको शायद आपका बचपन या कोई भी समय जब आपने बनाया था आपको याद आ गया होगा। तो हम आज तीन मेथड देखेंगे वाटर कलर में, तीन मेथड। तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, ये इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वाटर कलर बोले तो क्या, कलर्स को पानी में मिक्स करो और अप्लाई कर दो, ऐसा ही ना। लेकिन रुके रुके, ऐसा भी है लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी है। जिसको वो तीन कैटेगरी क्या आता है जिसमें हम कलर्स को वाटर में मिक्स करके अप्लाई करते हैं, जिसमें कुछ कलर्स होते हैं जो बाद में वाटरप्रूफ भी हो जाते हैं। तो अगर आप में से बहुत लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखना। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैं कविता इस फील्ड में करीब 1990 से काम कर रही हूँ और मैंने फाइन आर्ट में, कमर्शियल आर्ट में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रही हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग। पिछले 17 सालों से वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हूँ और काफ़ी लोगों को ट्रेंड किया है और लोग काफ़ी इसमें आज अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मेरे साथ बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और लोगों के साथ शेयर करके उनके भी फेस पे स्माइल लाइए कि कुछ उनको सीखने को मिला आपके एक शेयर करने से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाटर कलर। तो ये वाटर कलर में ये जो ट्यूब या केक कलर होता है इसको जब हम पेपर पे कोई भी लैंडस्केप बना रहे हैं, सीनरी बना रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट मेथड। जी हाँ, पहला हो गया ट्रांसपेरेंट मेथड। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आप देखो थोड़ा ध्यान से इसको समझना और अगर आपके पास अभी कलर है तो आप लेके बैठो और अप्लाई करना। तो इसमें आप जब प्लेट से कलर लेते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और उसको जब हम पेपर में अप्लाई करते हैं तो पेपर के नीचे अगर पेंसिल लाइन है, कुछ भी है, तो वो ट्रांसपेरेंट में दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेथड। क्लियर है? हम लोग इसमें काम भी करेंगे बट आज मैं आपको टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप जरूर करके देखना, तभी आपको वो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। यस दोस्तों, और मैं जानती हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ काम करते हो और कुछ मेरे से थोड़ा भी टिप्स सीखने को मिल जाए तो शायद आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिले, आप अपने आर्ट को और अपग्रेड कर सकोगे। तो पहला क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मेथड। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट मेथड में जो हम कलर्स यूज करते हैं वाटर कलर्स, वो तो या तो केक का कलर्स होता है या फिर ट्यूब का कलर्स होता है जो अलग अलग कंपनीज के आते हैं। अब सेकंड हो गया वाटर मिक्स कलर में ओपेक मेथड। जी हाँ, तो ये ओपेक मेथड क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला ट्रांसपेरेंट मेथड में आर पार दिखता है, हाँ पेपर के नीचे कोई ड्राइंग है वो दिखाई देगा, लेकिन ओपेक मेथड में वो भी वाटर से मिक्स करते हैं लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करते हैं, आप बता सकते हो क्या? अगर उस कलर को हमको लाइट करना है तो क्या करते हैं? वाटर कलर में तो हम पानी मिला के उसको लाइट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, लेकिन ओपेक मेथड में हम क्या करते हैं, पानी तो थोड़ा मिलाते हैं लेकिन व्हाइट कलर ऐड करके उसको लाइट बनाते हैं, जिसको ओपेक मेथड बोला जाता है। और जब हम पेपर में अप्लाई करते हैं लाइट कलर बना के तो नीचे जो भी लाइन ड्राइंग है, कुछ भी है, वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए एक होता है ट्रांसपेरेंट मेथड, दूसरा होता है ओपेक मेथड। क्लियर?
तो वाटर कलर में ट्रांसपेरेंट मेथड में हम व्हाइट कलर का यूज नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपको डार्क ब्लू को लाइट ब्लू बनाना है तो आप पानी ज़्यादा डालते हैं, जैसे कि मैं कुछ ये ग्रेडेशन दिखा रही हूँ तो आपको इसमें क्लियर होगा। सेकेंड, अगर ओपेक मेथड में हमको ब्लू को लाइट बनाना है तो उसमें हम व्हाइट ऐड करते हैं और डार्क को धीरे धीरे लाइट बनाते हैं। तो इस तरीके से कलर में एक हो जाता है ट्रांसपेरेंट मेथड, दूसरा ओपेक मेथड, क्लियर है। तो ओपेक मेथड का जो कलर वो बॉटल में, जिसको हम बोलते हैं पोस्टर कलर, वो पोस्टर कलर में हम व्हाइट कलर यूज करते हैं, क्लियर है। तो आप ये देख सकते हैं पोस्टर कलर का पिक्चर और उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दो मैंने बताया, अब तीसरा क्या है आप सोच रहे हैं, यही दो तो हम काम करते हैं। तो तीसरा है दोस्तों एक्रेलिक कलर। तो एक्रेलिक कलर भी वाटर बेस्ड कलर है, जी हाँ, उसको हम लोग फैब्रिक कलर भी बोलते हैं, जो कपड़े पे डिजाइन करते हैं या फिर हम कैनवस पे काम करते हैं या फिर बहुत बार हम स्कल्पचर मूर्ति बनाते हैं उसमें भी कलर करते हैं। तो एक्रेलिक कलर जो है उसको भी हम वाटर ऐड करके उसको थोड़ा लिक्विड करते हैं और अप्लाई करते हैं, और सूखने के बाद ये एक्रेलिक कलर जो है या फैब्रिक कलर जो बोलते हैं, ये ड्राई होने के बाद वाटरप्रूफ हो जाता है। इसमें आप मीन्स इसमें आप कोई भी पानी अगर थोड़ा फिर लग जाए सूखने के बाद तो ये निकलता नहीं है, ये मैसी नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कि हम वाटर बेस में ये तीन कलर के बारे में समझे, और ये तीनों का एग्जाम्पल वापस मैं रिपीट करती हूँ। ट्रांसपेरेंट मेथड वाटर कलर, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं फर्स्ट। सेकेंड, ओपेक मेथड वाटर कलर, जिसमें हम व्हाइट ऐड करके उसको ओपेक बनाते हैं और डार्क टू लाइट करते हैं। एंड थर्ड, एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर, जिसमें हम वाटर मिक्स करके उसका यूज करते हैं हमारे आर्ट वर्क में। तो ये तीनों हमारा वाटर बेस्ड मेथड है। तो आप लोगों ने अगर कुछ काम किया हो तो आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ ऐसे ही और भी टिप्स आपको मिलते रहेंगे। और हमारे फेसबुक कम्युनिटी को आप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को इंतजार है अगला क्या नया लेकर आऊं, तो मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट रहता है कि कल कुछ और नया दूं, कुछ और नया दूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, उसके पहले हमारा छोटू आपसे कुछ बोलना चाहता है, चलो बता दो। थैंक यू दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए। तो हम लोग मेथड सीखने के बाद प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। छोटू ने कहा कि सिर्फ हम कलर से नहीं, इसके बाद हम प्रोजेक्ट भी काम करेंगे। तो पहले आप ये मीडियम सीखो, फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग आपका शेड्यूल कीजिए, काम कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके आ जाइए अगले सेशन में। तो सी यू, मिलते हैं अगले सेशन में।